आपने सबसे पहले उनको 22,000 रुपया वैसे ही जाके पकड़ा देने के, लो जी हम हो गए हैं रजिस्टर। तो जी रेडी शेडी हो गए हैं, अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं और चलते हैं कोर्स पे। ओके जी, तो सी यू इन द नाश्ता टेबल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं नाश्ता टेबल पे। तो जी कोर्स से फारिग हो चुके हैं, अब समझ नहीं आ रही कहाँ जाएं यार। मतलब कहाँ जाना चाहिए यार, यार मुझे खुद नहीं आज समझ लग रही कहाँ जाना। आज अरहम भाई भी हमारे साथ है, अरहम भाई कहाँ जाना है यार आज? तो जी और कुछ सोचा नहीं जा रहा था, तो अभी हम आइथम कॉलेज आए हैं। ये आइथम कॉलेज है, यहाँ पे कुकिंग कोर्स होता है और कुकिंग से रिलेवेंट चीज़ें हमें बताई जाती हैं। तो देखते हैं अंदर जाके हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जी ये आइथम कॉलेज के अंदर से वो आए हैं और आजा बैठ जाए यार, थोड़ी सी डिस्कशन करें इनके साथ। तो यार कोर्स तो बड़ा मज़े का है, शेफ़ के रेलिवेंट कोर्स है, कुकिंग का रेलिवेंट आपको हर चीज़ बताएंगे, इसमें न्यूट्रिशन आ जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाएगी, आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, वो आपको इंग्लिश बोलना भी सिखाएंगे। और इसमें दो तरह के कोर्स हैं, 6 माह का कोर्स भी है, 1 साल का कोर्स भी है। जो 6 माह का कोर्स है उसमें आपको नेशनल लेवल पर जॉब वो कहते हैं आपको मिल जाएगी, लेकिन जो साल का कोर्स है उसमें आपको 6 माह की ट्रेनिंग होगी जिसमें वो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। और 6 माह की ट्रेनिंग होगी जिसमें वो आपको किसी रेस्टोरेंट में, सरीना हो सकता है, रॉयल्टन हो सकता है, उन्होंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के नाम लिए थे अभी जहन में नहीं आ रहे, वो आ गए थे आपको वहाँ पर इंटर्नशिप करवाएंगे। और 1 साल के बाद वो कहे थे जॉब की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, तो नेशनल लेवल पर भी जॉब मिल सकती है, इंटरनेशनल लेवल पर भी जॉब मिल सकती है। और उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया, क्या दिखाया हमजा? फ़ी स्केजुअल। कभी मैंने खुद नहीं पूरी तरह से पढ़ा, लेकिन मैंने टोटल फ़ी देखी है कि टोटल फ़ी जो है ना वो कितनी है, 1,44,000 जो है ना आपकी फ़ीस है, और पर मंथ जो है आपने 24,000 फ़ीस देनी है। तो जी फ़ी स्केजुअल का सीन कुछ ऐसे है कि ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपने सबसे पहले 10,000 उनको जमा करवा देनी है कि आप रजिस्टर हो गए हो। उसके बाद उन्होंने आपसे यूनिफॉर्म फ़ी, स्टार्टअप पैक, और स्टार्टअप पैक में अब क्या होता है हमजा, क्या होता है स्टार्टअप पैक? नो आइडिया। उसके बाद नोट्स वगैरह, कॉपियाँ किताबें देने के सानू होता ही है। उसकी जो फीस है वो जी 12,000 रुपये है, ठीक है जी। मतलब आपने सबसे पहले उनको 22,000 रुपया वैसे ही जाके पकड़ा देना कि लो जी हम हो गए हैं रजिस्टर, ठीक है। तो जी ये हो गई रजिस्ट्रेशन फ़ी। उसके बाद जी ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी शुड बी पेड इन 6 मंथ, मतलब हम ट्यूशन फ़ी को 6 मंथ में पेड कर सकते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद 6 मंथ कैंपस ट्रेनिंग होगी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कैंपस में उन्होंने ट्रेनिंग देनी है, और 6 मंथ जो है इंटर्नशिप ट्रेनिंग होगी, यानी आप वो आपको कहीं ना कहीं भेजेंगे कि आप जाके अपना सर खपा के आओ। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है ना हमें सर्टिफिकेट देंगे जो कि $500 हमें देने पड़ेंगे या वो देंगे? वो नहीं, हम देंगे उनको। उसके बाद अगर आपको ब्रिटिश सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपने $300, ये यूरो का निशान होता है ना, ये किस चीज़ का निशान होता है? यूरो है, यानी 300 यूरो आपने देने हैं इनको, और इसका जो एड्रेस है ये नीचे लिखा हुआ है। तो यार आइथम कॉलेज विजिट कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अंदर से बना भी बहुत प्यारा हुआ है। अब लेकिन कहीं और चलते हैं और देखते हैं अब आगे हमने क्या करना है। यार अभी हम आइथम कॉलेज से निकले थे तो बड़ा खूबसूरत सा रोड नजर आया है। ये रोड इसलिए खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इस तरह के प्यारे प्यारे रोड फैसलाबाद में काफी कम बने हुए हैं, और दूसरा इस रोड पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मे बी बाकी लोग आए हों, और यहाँ पे ग्रीनरी भी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से फ्रेश एयर जो है ना हमें यहाँ पे मिल रही है। तो यार अभी हमजा भाई के एरिया में आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ का मिल्क शेक बहुत अच्छा है, ऐसे ही हमजा भाई? जी बिल्कुल। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। तो है नहीं हमजा, तेरी कोई सुनने वाला? खजूरें डाल, खजूरों से काम है भी नहीं हो जाएगा? नहीं जान लो, जान दिए। चलो यार खजूरों वाला बनाना शेक पीने लगे हम यहाँ। जी तो भाइयों और उनकी बहनों कोर्स से हम आ चुके हैं। यार आज व्लॉग में इतना कुछ करने के लिए था नहीं, तो आज जो है शॉपिंग करने जाना है, तो शॉपिंग से होकर आते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग पे।
Because I'm not in love. हाँ जी, तो सॉरी यार, आज व्लॉग में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी है, तो व्लॉग भी थोड़ा छोटा बना, इतना कुछ दिखाने के लिए था नहीं, तो ऐसे ही है जी, कभी छोटा बन जाता है कभी बड़ा व्लॉग बन जाता है, तो मैनेज करना पड़ता है। तो जी ऐसे ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वी व्लॉग।